डाला अभी नहीं सेविंग डाला राजू है यार नहीं रहा ऊपर जा रहा हमारे चला गया माइक चल कर चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ प्रेमियों कुछ आवश्यक सूचनाओं से सुनो। ये गुरु पूजा जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व ये 30 तारीख तक चलेगा। ये 30 तारीख यानी ये साप्ताहिक है, एक सप्ताह ये पूजन चलेगा। इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना और प्रशासन के अनुसार के क्षेत्रीय लोग ये 6 जिलों के आए हैं, सीतापुर है, लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, बरेली है, आप लोग कभी चले जाएं, 25 तारीख को आ जाएं, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आपको सत्संग मिलेगा, पूजा का पूरा मौका और इनके आदेश का पालन भी हो जाएगा। यही चतुराई है कि हम लोग अपना काम बना लें और उसे कोई समझ न पा दें। तीसरे हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, जो क्षेत्रीय लोग हैं, सीतापुर के हैं, शाहजहांपुर के हैं, मतलब यानी लखीमपुर के हैं, हरदोई के हैं, आप आज चले जाओ और 25 को आ जाओ, फिर पांगी रखो, सत्संग सुनो, खूब पूजा करो, आपको मना नहीं तो सत्संग प्रसादन का आदेश भी पालन हो जाएगा, अपनी पूजा हो जाएगी। अपने को तो पूजा सत्संग के मतलब है, बाकी ये नहीं है जो, तो आप अभी चले जाओ और 25 को आ जाओ, 25 को आ जाओ, 26 को, 27, 28, 29, 30 तक पूजन चलेगा, प्रसाद मिलेगा, सत्संग मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके तत्काल अपना चले जाओ और 25 में आ जाओ, 25 में आ जाओ, 26 में, 27 में जब आपको फुर्सत हो, 28 में, 29, ये 30 तक पूजन चलेगा। ये साप्ताहिक पूजन का कार्यक्रम है, 30 तक चलेगा। आप पूजा करें, फुर्सत में सत्संग सुने और सुन दरस व परस सब, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। आप भंडारों में भोजन ले लें तो भोजन भी मिल जाएगा। अभी हम आपको दर्शन देंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे और आपको प्रसाद देकर सम्मान के साथ विदा करेंगे और ये कहेंगे कि 25 के बाद कभी आ जाओ और यहाँ पर क्यों भी फुर्सत होगी, भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, आप पूजा भी कर लेंगे और प्रशासन के आदेश का पालन भी हो जाए, क्योंकि प्रशासन ने प्रार्थना की है कि हमारी नौकरी का सवाल है। इस समय भीड़ भाड़ कहीं नहीं है, रैलियां यात्राएं सभी बंद कर दी गई हैं। इसे हमने पहले ही आज सुबह यात्रा थी, मैंने पहले बंद कर दी,
मैं तो आदेश का पूरा पालन करना, आचार संहिता का पूरा पालन करना और पूर्ण अनुशासन में रहना, ये मैंने हमारे गुरु ने मुझे सिखाया है और मैं भी लोगों को यही शिक्षा देता हूँ, यही शिक्षा। तो इसलिए अगर हमारा कुछ मान सम्मान रखना चाहते हो तो आप लोग तत्काल भंडारे में भोजन लो, अभी मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद दूंगा और सम्मान के साथ आपको विदा करूंगा, तुम्हारा सब काम हो गया, भंडारे का भोजन भी मिलेगा और ये वचन भी आपको सत्संग वचन में मिलेंगे और प्रसाद भी मिल जाएगा, चाहे वो 8 दिन रहकर यही काम करो चाहे 1 ही दिन में कर लो, आपको तो अपने लाभ से मतलब, लाभ किसी तौर से आपको दे दिया जाए वो तो लाभ देने वाले पर है, कोई तारीख वारीख लाभ देने की नहीं होती है, वो तो जब मौज मर्जी होती है, जीवों के अंदर कोई भाव कोई मतलब देखा जाता है तो उसी के अनुसार उनको वो लाभ दे दिया जाता। जय गुरुदेव, जय दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व में सम्मिलित होने वाले ये तमाम प्रेमी जन प्रांतों से आ गए हैं और आपका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पर्व में आप सम्मिलित हो गए हो और इसका लाभ आपको मिलेगा, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा, चाहे तुम 1 दिन रहो चाहे 1 सप्ताह रहो, वो तो लाभ देने वाले पर है, कैसे देगा किस तरीके से देगा, कौन सा विधि विधान बनाएगा, कौन सी योजना बनाएगा जिससे किसी को हमसे कोई परेशानी ना हो। हमने 9 वर्ष ये पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दो धर्म का सच्चा संदेश दिया है, मानवता इंसानियत का, प्रेम प्यार मोहब्बत का, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी की परम पहचान का, जो मैंने ये संदेश दिया है ये किसी ने नहीं किया और 9 वर्ष से आपको समझाया और आज भी आपको दे रहा हूं, तो संदेश तो संदेश, संदेश उस सत्य देश का, संदेश यहां तो दिया जा रहा लेकिन है सत्य देश जाने का, हमारी जीवात्मा सूरत सत्य देश अपने निज धाम निज घर अपने निज मालिक प्रीतम के पास कैसे पहुंचेगी और कैसे सच्ची सुख शांति पाएगी, यह संदेश आपको बराबर दिया जा रहा, यह कहीं नहीं होता, आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ यह संदेश कहीं नहीं होता, तो सोचना चाहिए लोगों को इसकी तो जरूरत है, अगर ये संदेश सब जगह होने लगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं देश में सच्ची सुख शांति आ जाएगी, बीमारी बीमारी सब चली जाएगी, प्रकट कोई प्रकोप नहीं करेगी, आप प्रकट का कहना नहीं मानते हो, अपनी मनमुक्ता में आकर के जो मार काट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार कुचार यह आपने किया ये उसी की सजा का फल है, उसी की सजा है, उन्हीं कर्मों की सजा है और तुम इस बात को जानते नहीं, कोई नहीं जानता कि प्रकृति रुष्ट क्यों हो गई, प्रकृति हमारे से नाराज क्यों हो गई और प्रकृति को खुश करने का किसी के पास कोई साधन उपाय नहीं है, केवल संत महापुरुषों के सिवा, संत महात्माओं का सीधा संबंध प्रकृति से होता है और प्रकृति उनके अनुसार काम करती है
उन्होंने प्रकृति पर भी अपना एक तरह से अधिकार जमा रखा है, जो वो कहेंगे वही प्रकृति करेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी वाणी में कितनी दया कृपा मेहरबानी भरी है, उनकी वाणी में सबके प्रति सबको लाभ मिले और सबको सुख शांति मिले और सब प्रेम प्यार मोहब्बत में परिवार में समाज में देश में अपनी अपनी जातियों में रहे। ये शिक्षा संत महात्मा की थी। अगर इसी शिक्षा का प्रसारण हिंदुस्तान में शुरू हो जाए तो कोई दुख तकलीफ, कोई अव्यवस्था, कोई प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार कुचार ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन महात्माओं के सिवा एक काम कोई नहीं कर सकता। आपने तो 70 साल की आजादी देखी है, कितने चुनाव हुए, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बने, लेकिन किसी ने आज तक जनता का कोई काम नहीं बनाया। ये बनते रहे, बिगड़ते रहे, हटते रहे, लेकिन जनता का कोई काम नहीं हुआ। तो आपको तो सोचना चाहिए ये चुनाव प्रणाली जनता को सुख देने वाली नहीं है। वो तो महापुरुषों की प्रणाली, महापुरुषों की भूमिका, उनकी योजना जो यहाँ पर लागू होगी तब जीवों को सुख शांति मिलेगी। उस योजना का नाम है दूरदर्शी, जो सबको सबके कष्टों को दूर करेगी, जो दूर तक देखती है, दूर तक समझती है, दूर तक जानती है और सबके दुख को दूर करने की योजना भूमिका व्यवस्था रखती है, उसको कहते हैं दूरदर्शी। और वो आएगी, उसका समय सब निश्चित, दिन तारीख मुहूर्त सब निश्चित है। कहा था बच्चा, जब मेरी दूरदर्शी आएगी माँ बहनों के इलाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत सोमन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत विश्व का अगुआ रहा और रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसलिए आप व्यवस्था को समझें, अपनी जगह तटस्थ रहें, मजबूती से खड़े रहें। एक दिन वो समय आएगा जिसके लिए बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय बुद्धेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इस बात को आपको गांठ में बांध लेना चाहिए और इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए, तब वो सुख शांति सबको मिलेगी, वो सच्चा सतयुग देखने को मिलेगा और वो सत्य का युग होगा, सच्ची विचारधारा का और सत्य बोलने का और सत्कर्म करने का युग होगा। इसलिए आप संदेश तो सुनिए रहे, अरे चाहे एक घड़ी का सत्संग हो, आपको मिल जाए उसी से काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सुनाया तो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया गया, किसने सुना और किसने माना और किसने जाना और किसने पहचाना और किसने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर दिया, ये सब के सब विचारे भाई। इसलिए हमारा मतलब भीड़ लगाने का नहीं है, भीड़ लगाना हम अच्छा नहीं समझते। एक कोई विभीषण, एक कोई हनुमान मिल जाए तो लंका का काम हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन वो विभीषण वो हनुमान कब निकलेगा, कौन बनेगा, कौन सामने आएगा, कौन ये काम करेगा, किसका नाम होगा, इतिहास किसके नाम का बनेगा, ये सब जानकारी हमने आपको पहले से करा रखी है। आप न समझ पाए मेरे वचनों को, मेरी वाणी को, वो बात एक अलग की है। मैंने इस 9 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूम कर, और ऐसा नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, मैंने ये सारे हिंदुस्तान में
ये आध्यात्मिक संदेश दिया है और इसीलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम लोग जब हमेशा शासन प्रशासन का आदेश मानते रहे, उनको आदेश को लेकर ही मैंने ये बिगुल बजाया है कि कल युग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आज भी हमें आपको काम करना है। क्या जरूरी है कि भीड़ लगा कर क्या पूजा होती है? अरे पूजा तो अकेले में होती है, पूजा तो अपने निजी लाभ के लिए होती है। वो मैंने एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखा है कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 किसी दिन आप आ जाओ, पूजा कर लो चले जाओ, तो तुम्हारा काम भी हो जाए और उधर प्रशासन का आदेश पालन हो जाए। यही तो बुद्धिमानी है। इसलिए आज आप लोग चले जाओ और 25 तारीख 25, 26, 27 इसी दिन आ जाओ, तुम्हारे लिए 5 दिन पूजा के सुरक्षित है। लाभ आपको तौर तरीके से मिलेगा, अपनी हट से अपनी जिद से आप कोई लाभ नहीं ले सकते। लाभ तो देने वाले पर निर्भर है, वो कैसे दे रहे, आपको यहीं से फेंक दे, वो उसकी मौज मर्जी पर है। जब उनके आदेश का पालन करोगे तो लाभ आपके पास होगा। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया था, ये मानव शरीर है, परमात्मा ने बड़े भाग से दिया है, हमें इसको भागशाली ही बनाना। भागशीलता क्या है कि जीवात्मा जगे परमात्मा से मिले। इस काम के लिए हमको मालिक ने यह शरीर दिया, अगर ये काम आपने नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ में चला गया और कितनों करोड़ों का जा रहा। किसी की समझ में नहीं आया कि मानव शरीर क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ तो जानकारी केवल ये चीज दे दी गई है, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आलोलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बताया गया और न किसी के जाना। सभी इंद्रियों के भोगों के इन्हीं कर्मों में फंसे रहे, अनमोल जीवन चला गया, व्यर्थ में चला गया। का महापुरुषों ने दिवस गमाए और खाए, रहन गवाई सोए और दिवस गमाए और खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। का हीरा के समान ये कीमती जिसकी कोई मूल्य नहीं है, ऐसा ये मानव तन शरीर परमात्मा ने हमें आपको अपनी बात इसी काम के लिए दिया था कि जाओ मृत्यु लोक मंडल में संत महापुरुष की तलाश करना, जो मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, मानव जीवन की सार्थकता जानते हैं, मानव जीवन किस लिए मिला वो उनको सब मालूम है, वो मिल जाएंगे, आपको रास्ता बता देंगे तुम्हारे सच्चे घर का। आप रास्ते पर चलकर अपने घर चले जाना, बस आपकी मंजिल पूरी होगी। इतने काम के लिए मिला और जब तक ये नहीं करोगे तब तक तो भाई कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे आने जाने से कोई लाभ नहीं है। पहले तो मानव शरीर की कीमत समझो। महापुरुषों ने क्या कहा, ये तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का ही जीवन मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग करके सत्कर कोई शुभ कर्म करके इंद्रियों वाला स्वर्ग लोक में जा सकते हो, लेकिन वहां से भी जब पुण्य खत्म हो जाएगा वहां से ढकेल दिया जाएगा, पुण्य छीणे मृत्यु लोक, वो पुण्य जब छीण हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आपको फिर ढकेल दिया जाएगा। इसका मतलब बीच के किसी लोक से हम अपने घर नहीं जा सकते, वो तो मृत्यु लोक में संत महापुरुष मिले, वो युक्ति दे दे, रास्ता बता दे, उनकी दया हो जाए, उस रास्ते पर चलकर आप अपने घर जा सकते हैं। कितना सरल रास्ता दे दिया कलयुग में, जो अन्य युगों में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों अवतारी शक्तियों को नहीं मिला, वो रास्ता आज उनकी दया कृपा से
हमें आपको बड़ी सरलता में मिल गया। तो हमें आपको असली काम तो ये है, भजन भजन करो, 8 घंटे परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, पालन पोषण के लिए 8 घंटे करो, वो भी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से। और इसके बाद समय जब शाम को आओ, भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो, सुबह और शाम दोनों वक्त करो, ये काम तुम्हारा शहर में हो जाएगा। इधर घर गृहस्थी का कर्जा भी निपट जाएगा बाल बच्चों का, और इधर धीरे से 2 घंटे समय निकाल कर अपनी आत्मा का काम भी करोगे। देखो कितना शर्म, ना कलयुग में कोई साधु नहीं बनना, कोई दाढ़ी बाल नहीं रखाना, कोई काले पीले लाल कपड़े, यानी बाहर का पाखंड कुछ नहीं करना, क्यों विषय अंदर का है, बाहर करने से लाभ मिलेगा नहीं आपको। आपको साधु बन जाना है, साधुता यानी विचारों का, ये विचार आपके सात्विक हो जाए, अच्छे हो जाए, नेक भले हो जाए, यही तो साधु की पहचान है। लेकिन साधु का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसे साधु कहते हैं। कभी कहा है, साधु से हुए न कागज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी भी काम की हानि नहीं हो सकती। अगर ये बात लोगों ने पढ़ ली होती, समझ ली होती, तो आज ये धार्मिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन ये बेचारे कुछ नहीं जानते, ये खाने कमाने के सिवा वही पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे। पशु भी खाता है और कमाता है, बाल बच्चे पैदा करता, वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे पशुओं में अंतर क्या है? मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए सुबह शाम घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन 1 घंटा समय, 1 घंटा शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन करो, ये मानो जीवन का अर्थ। तो आपको तो रास्ता मिला होगा, घर में बैठ कर आप करिए, जब कभी इच्छा हो तो सत्संग में चले आओ, वचनों को सुन लो, फिर ताकत मिल जाएगी, फिर शक्ति मिल जाएगी, विचार फिर मजबूत हो जाएंगे, मन को ताकत मिलेगी, फिर वो काम में लग जाएगा। लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बिना सत्संग के, बिना सेवा के भजन नहीं होता। पहले सत्संग सुनो, तब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव पैदा होगा। सेवा करोगे, तमाम तरह के पाप कर्म सेवा से कट जाएंगे, फिर ये मन पाक साफ हो जाएगा, तो भजन में लग जाएगा। ये काम आपको करना है। इसलिए मैं 25-26 में फिर आपको संदेश दूंगा, वो तो 5 दिन चलेगा, लेकिन अभी 24 तो कुछ नहीं। जो आदेश है मैं ही उसका पालन करूंगा, बाकी जो कहते ये कभी नहीं कहते, ये खुद ही कुछ नहीं जानते आदेश क्या है, आदेश का मतलब क्या है, ये उनको खुद ही नहीं मालूम। आदेश माने अपने देश में हम कैसे रहें, किस मर्यादा में रहें, कैसे सुंदर अच्छे खान पान में रहें, इसको कहते आदेश। जब ये मान लोगे तो संदेश समझ में आ जाएगा, और संदेश समझ में आ गया, जनो सत्य देश की तैयारी हो जाएगी, अपने घर पहुंच रहेगी। तो जो जी, क्योंकि ये कलयुग की नहीं है, इसलिए कलयुग में तो खड़े अंतर, कलयुग में बाधा है, इनमें धर्म में बाधा, कर्म में बाधा, सच्चाई देखा नहीं, मंदिर में चिन्ह में ताले लगे, क्या कभी सुना पराठा आपने कभी? ऐसा किसी युग में ऐसा हुआ कि धर्मस्थलों को बंद कर दो? ये क्या है? ये नास्तिकता, इसी को नास्तिकता कहते हैं। जब ऐसा समय आ जाएगा, धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत ये सब चला जाएगा,
माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, तब क्या लिखा? इसीलिए तो धर्मशास्त्रों ने पहले ही इशारा कर दिया कि जब जब हो ये धर्म की हानि अभिमानी। कितना साफ लिखा, असुर अधम अभिमानी। जब तीन वर्गों में ये समाज डिवाइड हो जाएगा तब धर्म चला जाएगा, और जब धर्म चला जाएगा कोई न कोई परमात्मा की तरफ से आ जाएगा। सत्य का, धर्म का, मानवता का, इंसानियत का संदेश देने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। तो आपको तो ये सब मालूम है, सभी यही हो रहा। गीता ने कहा यदा यदा ही धर्म इंग्ला निर्भवती वारदा अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान सृजा में हम। कितना साथ गीता कह रही, सब यही कह रहे जब जब धर्म की हानि हुई, लेकिन कर्म की हानि के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने कोई लाल पीला कपड़ा पहनना, कोई दाढ़ी बाल बढ़ाना, कोई चंदन बंदन लगाना, ये धर्म नहीं है। कागज पत्थर पानी इसमें आस्था पैदा करना, ये धर्म नहीं है। इसलिए धर्म की व्यवस्था आप समझें। आज धर्म की व्यवस्था में जो आज ये बाधा पड़ी है, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, बहुत खराब होगा। और यही काम यानी सजीव में हिरण्यकश्यप ने किया। सच्ची अच्छी बात न सुनने दिया, न सुनाने दिया, न मानने दिया। किसने? राजा हिरण्यकश्यप ने। ये राजा जब ऐसा हो जाएगा, धर्म कर्म भूल जाएगा, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज घर जब शासक खुल जाएगा, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी, तब समय खराब आ जाएगा, दुर्दिन का समय आएगा। ये सब और त्रेता में राजा रावण देखो, ये राजा की तरफ से ही क्या होगा। हर युग में और राज भी ये शासन प्रशासन ही रोक लगा रहा कि आप धर्म का संदेश मत दीजिए, अच्छी बात मत बताइए, अच्छे रास्ते पर लोगों को चलने की सलाह मत दीजिए। ये क्या है? ये घोर अधर्म है। और इसके ये सब भागीदार, ये सब भागीदार हनुमंता विशास्ता निहन्ना के विक्रे संत करना चौफरना चखा व्यक्त करते इतिहास का, ये दस अपराधी माने जाते। समय सबसे बड़ा अपराधी अनुमत समाधि वाला। यह सब आपके सामने है, जिसका परिणाम कोई अच्छा नहीं। ऐसे त्रेता में राजा की बुद्धि बिगड़ी, द्वापर में राजा रावण की बुद्धि बिगड़ी, और द्वापर में राजा कंस की बुद्धि बिगड़ी, और त्रेता में राजा रावण की बुद्धि बिगड़ी, आज कलयुग में शासक प्रशासन की बुद्धि बिगड़ी। शराब के ठेके खुले पड़ी थे, वहां बीमारी नहीं है, जबकि मैंने कहा हमारे यहाँ 1 लाख चाहे 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमार नहीं होगा। अरे कोई बीमार निकल आता तो आप प्रकुंठित कर देते, आप रोक देते। जहाँ से 1 साल से मैं संदेश बराबर दे रहा हूँ, एक दिन के लिए भी विश्राम नहीं किया, और मेरे यहाँ कोई मिला मरीज नहीं। हम तो कहते हैं अगर कोई मरीज है तो 7 दिन यहाँ रहे, भंडारे का प्रसाद पाए, सत्संग सुने, झंडे की परिक्रमा करे, तो उसकी बीमारी चली जाएगी। यहाँ तो ये और सब निःशुल्क, कोई परेशानी। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की जनसेवी कार जो हिंदुस्तान में कोई संस्था कोई मतलब समिति संघ नहीं कर रहा है, वो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति ये सब काम कर रही है। निःशुल्क शादी ब्याह बिना दहेज और मुंडन जो संस्कार है
हमारे शरीर जीवन के वो मुंडन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवी संस्कार, ये निःशुल्क होते कोई पैसा नहीं। हमारे यहाँ ठहरने का कोई किराया नहीं, बिजली पानी फ्री और भोजन फ्री और दवा फ्री, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। आज ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा जबकि ये काम जनहित के कोई नहीं करता। जो जनहित के काम करे उस पर प्रतिबंध लगा दो, उसको रोक दो तो परिणाम क्या होगा ये तुम्ही जानो, ये तुम्ही जानोगे। ये छोटा मोटा नहीं है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं किराया भाड़ा खर्च करके इतनी परेशानी में, ये तुमने नहीं पूछा। आज इतनी बारिश में इनको छाया मिली कि नहीं मिली, रोटी मिली कि नहीं मिली, पानी मिला कि नहीं मिला, ये कोई पूछने वाला नहीं है। और कहते हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा कह रहे हो कि व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। खैर वो मालिक पर छोड़ दिया गया है, वो जाने उसका काम है, उसके काम पर जिसने बाधा डाली है सबको सजा मिली, सब सजा के पात्र बने। ये छोटा मोटा ये रुकावट नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज। इतना बड़ा संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाता, पूरी समाज को नई दिशा नया ज्ञान मिल जाता, इससे बड़ा और क्या था, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा कोई फीस कुछ। मैं ये दान दक्षिणा ये लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दान दिया का जल्दी से नाम की कमाई करो, जब नाम की कमाई हो जाएगी जिसकी, और उसको हिंदुस्तान के लोग उसके चरणों पर अपनी धन दौलत सरात पर न्योछावर कर देंगे। ये तो वो चीज है, इसलिए आप लोग सम्मान के साथ विदा हो जाओ। ये अपराध वो भोगेगा जो रोकेगा, जो टोकेगा, अच्छे काम में बाधा डालेगा, ये अपराध वही भोगेगा। तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आप सम्मान के साथ निकल जाओ। मैं अभी रथ पर यहाँ बैठ जाऊंगा, दर्शन मत पर या रथ पर बैठ जाऊंगा, और वहीं से आपको प्रणाम करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद देकर विदा करूंगा। देखो सत्संग भी हो गया, दर्शन भी हो जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, भंडारे का महाप्रसाद भी पा चुके, काम तो आपका हो गया। वो तो मैंने आपका काम कर दिया, वो चाहे एक बार में चाहे 10 दिन तुम पड़े रहो 15 दिन, काम से मतलब आपका काम हो गया है। अब आप अपने अपने निवास स्थान की तरफ तैयारी करो, जो ये किया है वो भोगेगा, उसका काम आपका नहीं। आप तो घर से चल दिए, किराया भाड़ा खर्च करके चल दिए, इसका सब परिणाम वही भोगेगा जिसने आध्यात्मिक पराविद्या को रोका। कि जो इनको मालूम नहीं कि आध्यात्मिक पराविद्या क्या, इनको तो ये पता ही नहीं है, ऐसी चीज का प्रसारण हर जगह नहीं होता, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से होना। अब पूरे यानी साल मैंने संदेश दिया, जबकि लॉकडाउन लगा रहा, सबके मुख बंद, न कोई नेता बोला, न कोई महात्मा प्रवचन बंद, भाषण बंद, क्योंकि इनका जो जो बोला और कहा सब झूठ निकला। ये सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया था, अगर करा कराया होता तो झूठ नहीं निकलता। इसलिए मैं बराबर संदेश देता रहता हूँ। अभी बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो 1 महीने मैंने बंद रखा, मैं फिर प्रारंभ कर दूंगा। संदेश कोई नहीं रोक सकता, और ये संदेश यहाँ का नहीं, तुम यहाँ का रोक सकते हो, लेकिन सत्यदेव जिसको तुम जानते नहीं वहां क्या क्या रोकोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो देखो इतनी कमी है अभी, जितनी तुम देर में खड़े होते इतनी स्फूर्ति बिजली उठाई, क्योंकि अब ये काम का समय, अब ये काम का समय है, अभी काम की ट्रेनिंग अभ्यास चल रहा, धीरे धीरे अभ्यास कर लो, ये सब काम आएगा। जय गुरुदेव, अपने गुरु का पर्व मना रहा हूं और अपनी जगह भी, तो किसी को इसमें क्या आपत्ति, क्या घर में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, घर में कोई अपने गुरु की यादगार नहीं करेगा। हमारा आश्रम हमारा घर है और यहाँ हजारों प्रेमी दो वर्ष से आवास करते हैं, दो वर्ष से रहे, इनकी भोजन की व्यवस्था, इनके कपड़े लत्ते की व्यवस्था, इनकी और कोई दवा, ये सारी व्यवस्था ये हमारा शासन करता है। बताइए इतनी बड़ी पाबंदी के अपने घर में नहीं बोल सकते हो, इससे बड़ा और खराब समय क्या आएगा। इसी खराब समय की बात कही की थी, तुम्हारी जबान बंद कर दी जाएगी, तुम्हारा देखना सुनना बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें सच्ची अच्छी बात कहने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तब समझ लेना घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, क्या सच्ची अच्छी बात कहने में पाबंदी, अच्छाई सच्चाई अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए, सबको सुख शांति मिले, लेकिन उस पर पाबंदी, ये तो यहाँ का नियम है। लूटो खाओ मौज उड़ाओ ये मंत्र सिखाया जाता है, ये मंत्र इनका, ये मंत्र है कलयुग का, कलयुग का ये मंत्र। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद में लगाया जाता है, लूटो खाओ मौज उड़ाओ ये मंत्र सिखाया जाता है, आज ये हो रहा है, लेकिन हमें आपको इसके अनुसार नहीं चलना, हमें आपको अपने सदगुरु की सीख, उनकी शिक्षा, उनका सिद्धांत, यानी सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम है। इसलिए गौर का युग है, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी और चुटकी बजा दिखाना, आपका ये काम है। इसलिए मैं यहीं से विराम ले रहा हूं और आप लोगों से बार बार प्रार्थना गुजारिश है कि आप लोग ये क्षेत्रीय हो, जो क्षेत्रीय है ये सीतापुर है, लखीमपुर है और शाहजहांपुर है, हरदोई है, बरेली है, ये लोग चले जाए और ये 25 के बाद फिर किसी समय आ जाओ, पूजा तो आपके यहाँ एक सप्ताह होगी, संदेश भी उसी समय मिलेगा, तो इस समय रह के आप क्या करेंगे,
इसलिए इनके आदेश का पालन हो जाए और अपनी व्यवस्था न बिगड़े, अपनी मर्यादा न बिगड़े, गुरु का आदर्श न बिगड़े, गुरु का अनुशासन न बिगड़े, ये हमने आपको ध्यान दिया। तो मैं अभी आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा, आपको प्रणाम भी करूंगा, क्योंकि आप आदेश पालन में, आदेश पालन करने वाले सेवादार का उत्सव पूजनीय होता है, क्योंकि वो गुरु के आदेश पे चल रहा है, इसलिए इसकी पूजा तो सबसे होती है। जय गुरुदेव, जय आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अब आप लोग घर चले जाओ और 24 के बाद 25, 26, 27, 28 जब मौका हो तो चले आओ, सत्संग सुनाओ और पूजा कर लो। आपकी पूजा कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी पूजा तिथि तारीख में बंद ही नहीं है, और तो सद्गुरु की मौज मर्जी पर होती है, वो किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग ना पावे प्राणी, भक्ति स्वतंत्र है, कोई बाधा नहीं उनमें डाल सकता, लेकिन हम अपनी व्यवस्था बदल देंगे। अरे हम 24 को नहीं तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 में पूजा कर लोगे, सत्संग सुन लोगे, प्रसाद मिल जाएगा, आपका काम हो गया। आपको किसी तारीख का हठी नहीं बनना, हठी नहीं बनना, दया तारीख में नहीं है, दया आदेश पालन में है। इससे आप आदेश का पालन करो और अपने अपने घर चले जाओ, इनका भी इनकी रह जाए कि बड़े भाई आदर्शवादी है, देखो तुरंत से चले गए। जय गुरुदेव, इसको हमेशा याद रखो। और ये काम हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं कर सकता, न कलयुग भगा सकता, न सतयुग ला सकता, ये व्यवस्था, ये काम किसी के वश का नहीं है। तो ये बात तो आपको बता दी गई है, इससे मैं यहीं से विराम ले रहा हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमको अपना दर्शन दें, अभी मैं आपको प्रणाम भी करूं और प्रसाद दे दें तो घर लेके चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। यही तुम 4 दिन करते, 5 दिन करते, 7 दिन, मैंने आपका एक ही दिन में सब काम कर दिया, एक ही दिन में आपका सब काम, भंडारे का प्रसाद भी और ये सत्संग का प्रसाद, महाप्रसाद ये आपको मिल जाएगा और आपका दर्शन हो और आपको प्रणाम करूं, ये तो सबसे बड़ी चीज है। धीरे धीरे
अरे भैया दादा यहाँ लग गई पहले इधर इधर यहाँ से लग गई पहले पीछे कर भैया भैया खराब हो गया तुरंत हो जाएगा दर्शन करा पहले।